अगर आपकी उम्र 10 साल से कम है तो आगे ना बढ़े। अगर आप भूतों पे विश्वास करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे बिल्कुल भी ना देखें। अगर आप इसे फिर भी देखना चाहते हैं तो आओ मेरे साथ। अब ये बात है, कल रात करीबन कुछ 12:30 बजे की। मैं थ्री फिंगर में एक या दो दिन हुए ही शिफ्ट हुआ हूँ, इसलिए मुझे खेलने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही थी। तो मैं क्या किया, रात को भी गेम खेलने लगा था। और हाँ, अकेले खेलने के डर से, क्योंकि मैं मर ना जाऊँ, इसलिए मैं करा स्क्वाड और अपने चारों बंदों को बुला लिया। उतरे हम लोग क्लॉक टावर पे थे, बट हाँ, चारों बंदे लैंड तो किए थे, बट नीचे सिर्फ 3 बंदे पहुंचे। एक और बंदा जो अपने स्क्वाड का था, वो बंदा कहाँ गया कुछ भी पता नहीं चला। गेम के नीचे तो वो बंदा आया ही नहीं, बट हाँ, जब लैंड कर रहे थे उस टाइम हम 4 लैंड कर रहे थे। नीचे आने के बाद हम लोगों ने तीनों क्लॉक टावर का सफाया किया। उस बीच अपना एक दोस्त मर गया, और हाँ, उसके बाद हम लोग गेम में बचे थे 3। 2 बंदे मेरे को विजिबल हो रहे थे, मतलब मैं और एक मेरा साथी, बट तीसरा बंदा जो था ऑफ वॉरेड, वो वाला बंदा मुझे बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा था। गेम में थोड़ा सा आगे आने के बाद मुझे लगा शायद से गेम का कुछ ग्लिच है, इसलिए वो मुझे शो नहीं कर रहा है। बट हाँ, ये सोचना मेरे लिए बहुत बड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि उसके बाद मैं देखा स्क्रीन के ऊपर लिखा था ऑफ वॉरेड, और वो मेरे से 15 मीटर की दूरी पर था, और वो उसका डायरेक्शन दिखा रहा था ऊपर, मतलब कि मेरे सर के ऊपर। देख सकते हो यहाँ पर 15 मीटर तो दिखा रहा है, बट चारों तरफ कहीं पर भी ऑफ वॉरेड का कुछ भी नाम निशान नहीं था। तो मैं सोचा चलो यार, अब भी शायद से गेम का कुछ ग्लिच है, अब भी शायद से वो बंदा गेम के बाहर चला गया होगा। 2 ही हम लोग ये गेम पे बचे हैं, बट थोड़ी देर बाद हमारे सामने आ गए कुछ एनिमीज को देखकर नॉर्मली क्या करना था हमको, उन्हें मारना था, और डायरेक्शन था वो हमारे पूरे सामने थे। बट यहाँ पर मुझे एनिमी का भी बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि मेरे स्कोप से कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो मैं क्या किया, थोड़ा आगे गया और यहाँ से उनको देखने का ट्राई किया, पर यहाँ पर मुझे नहीं लगा कि सामने कोई एनिमी है। और उसी टाइम पटाख से मुझे लेफ्ट साइड से फायर हो गया, और मैं यहाँ पे पेड़ के पीछे आके थोड़ा सा कवर लिया ही था, तो मुझे दिखा कि मेरे सामने राइट वाले साइड एक बंदा भाग के जा रहा है। अब उस बंदे को तो मैं स्पॉट कर चुका था, शायद उसने मुझे स्पॉट नहीं किया था। इसी का फायदा लेते हुए मैं उसको बहुत सारे शॉट्स, आसपास 200 के ऊपर डैमेज मैं उसे दे चुका था, बट पता नहीं क्या हो रहा था, वो बंदा एक भी टाइम डाउन नहीं हुआ और कुछ ही शॉट में मुझे डाउन कर दिया। उसके बाद चलो कोई बात नहीं, अब तक तो बात सही थी, मैं यहां इतने दूर डाउन हो चुका था, 200 मेरे से बहुत दूर था। मैं सोच चुका था मैं यहां से बिल्कुल भी नहीं बच सकता, और जो हुआ मेरे साथ वो मेरे सोच के परे था। मैं ये चीज देखकर पूरा का पूरा चौंक गया था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं है, बट ये पेट मेरे साथ है, और ये पेट किसका है ये चीज भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा जो पेट है वो है फाल्को। और ये जो पेट है ये कहाँ से आया, और मुझे कैसे रिवाइव दिया, कैसे इसने वॉल डाला, सोच के मैं बिल्कुल पागल हो रहा था। विश्व मेरे से बहुत दूर था, और वो वहां पे वो बंदे का खात्मा कर रहा था जो हमारे सामने थे। बट हाँ, सोचते हुए मुझे बड़ा ताज्जुब का फील ये हुआ कि ये पेट मुझे कैसे बचा सकता है, ग्लूअल कैसे डाल सकता है, और रिवाइव कैसे दे सकता है। अब जैसे ही थोड़ी देर बाद वो वाले बंदे सारे खत्म हो गए, वो वाला पेट मेरे नीचे आ गया, और ऊपर था मेरा फाल्को, एक साथ दो दो पेट। देखकर मैं पूरा का पूरा चौंक गया था, विश्व भी वहां पे पूरा का पूरा शौक था कि हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे हो सकता है, वॉरेड तो यहाँ पे है नहीं, पर हाँ ये जो पेट था ये वॉरेड का पेट था। अब मुझे ये चीज का पता नहीं चल रहा था कि वॉरेड है कहाँ, गया कहाँ, और उसके पेट के पास इतनी शक्ति कहाँ से आई कि वो वॉल डाल रहा है और मुझे भी बचा रहा है। अब ये चीज तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वॉरेड तब कॉल नहीं उठा रहा था, मैं उस टाइम उसको कॉल किया, और 2-3 बार कॉल करने के बाद मैं सोचा भाई 12:30 बज रहे हैं रात के, अब इस टाइम किसी एक बंदे को कॉल करना ये सही नहीं होगा। तो इसके बाद मैं उसे कॉल नहीं किया, और उसका पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग यहां पर मैं डाल रहा हूं। अगर आपको कुछ पता है इस बारे में तो मुझे प्लीज कमेंट पर जरूर से बताना। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अगर किसी को भी ये बारे में कुछ ना कुछ पता हो, क्योंकि ये फ्री फायर में मैं आज पहली बार देख रहा हूं कि एक पेट जो है मुझे पूरा का पूरा रास्ता दिखा रहा है, मुझे पूरा का पूरा बचा रहा है, और मेरा सेवियर बन के मेरे साथ चल रहा है। अब यहां मुझे ये चीज का पता नहीं चल रहा था कि वो पेट कहां भाग रहा था, क्योंकि मैं और मेरा पेट उसके पीछे पीछे भाग रहे थे, और वो वाला पेट जो था वो आगे आगे भाग रहा था। मुझे लगा कि शायद से वो वाला पेट हमें कुछ कहना चाहता है, बट क्या करे, पेट बोल नहीं सकता। पर हाँ, अब इस मैच में मैं सोच चुका था कि जो भी करना है इस पेट के साथ करना है, और देखना है कि ये पेट कहां लेके जा रहा है मुझे।
अब इसी बीच में ये चीज भी नहीं देखा था कि यहाँ पे ड्रॉप पड़ा है और वो पेट क्या किया ड्रॉप के पास आके ये चीजें लूटने लगा। मैं सोचा भाई पेट कैसे चीजें लूट सकता है, और उसके गन भी मुझे कुछ विजिबल नहीं हो रहे थे, कहाँ पे वो गन पकड़ रहा है, कहाँ पे वो वॉल डाल रहा है, इसका मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। बट हाँ, वो वाला पेट मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी था, वो जहाँ पे भी ले रहा था कुछ ना कुछ मेरा काम कर दे रहा था। वैसे ही उस पेट के पीछे भागते भागते वो पेट आके यहाँ पर रुक गया, और मुझे लगा कि शायद से वो यहाँ पे रुका है मतलब कि कुछ ना कुछ काम की बात जरूर होगी। और उसी टाइम मैं जब नीचे देखा, नीचे बंदे आ रहे थे, मैं उन्हें मारा और एक दो बंदे को मैंने वहां पे मार भी दिया। पर हाँ, अब भी मुझे पता नहीं चल रहा था कि वो पेट नीचे क्यों जा रहा था, क्योंकि हमने तो बंदों को मार दिया है। तो मैं क्या किया, उसके साथ गया, और जब मैं आगे देखा तो वहां पर एक बंदा डाउन हुआ पड़ा था। अब मैं ये फिर से सोच रहा था कि भाई डाउन कैसे हो सकता है, वो वाले बंदे ये पेट के पास गन कहां से आए और ये ऐसे बंदों को मार कैसे सकता है। अब कुछ ही देर बाद मैं फिर से यहां पे जो देखा, देखकर पूरा का पूरा शॉक हो चुका था, क्योंकि वहां पर ये पेट जो था ये लूट कर रहा था। भाई पेट कैसे लूट कर सकता है, वहां पे बैग कहां से आया उसके हाथ में, और उसके हाथ में गन बिल्कुल भी नहीं शो कर रहा है। और उसके ठीक कुछ ही सेकंड बाद वो पेट फिर से यहां पे आया और ये लूट बॉक्स से लूट करने लगा। अब मुझे ये चीज पता नहीं चल रहा था कि ये पेट का वो लोगों से मतलब जिनको ये मार रहा है क्या दुश्मनी है। वॉलेट यहां पे जिंदा तो दिखा रहा है बट यहां कहीं पर भी विजिबल नहीं हो रहा है। उसका पेट सभी को एक एक करके मार रहा है। इसको देखकर मेरी फटी पड़ी थी, क्योंकि यहां पर मेरे जो दोस्त थे वो बातें भी अच्छे से नहीं कर रहे थे। मैं सोचा कि भाई रात हो गई है और ये पेट सबको मार रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे, और ये पेट मार कैसे सकता है। इसके बाद मैं इसका टेस्ट लेने के लिए क्या किया, सामने बंदे आ रहे थे तो मैं क्या किया, वहां पे जाके सामने डाउन हो गया, और मैं देखना बस ये था कि मुझे कि क्या ये पेट मुझे बचा रहा है कि नहीं। और फिर मैंने क्या किया, नीचे से बंदे आ रहे थे बट मैं हाथ में कुछ भी एक गन लिए नीचे भाग रहा था। कुछ ही सेकंड में उन्होंने मुझे डाउन भी कर दिया। बस मुझे यहाँ पे ये चीज देखना था कि क्या वो पेट मुझे बचाने आ रहा है। और उसके बाद मैंने जो देखा, देखकर मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं हुआ। अब ऐसे टाइम पे भी जहां पर चार बंदे मेरे सामने से आ रहे हो, पीछे से जोन आ रहा हो, फिर भी वो पेट मेरे पास आया और मुझे बचाया। सोचकर एक बात की तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मैंने मेरे टेस्ट के लिए ही सिर्फ वो पेट को मार दिया। चलो कोई बात नहीं, गेम में तो ऐसा होता रहता है। कि आपके साथ कभी भी ऐसे गेम पे हुआ है, अगर हुआ है तो नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक छोटा सा लाइक करना, नए हो अगर हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना। मैं मिलता हूँ ऐसे ही एक और नए ताजा एंड फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।